हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीरज विजय फ्रॉम समसॉल्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ओके, एंड आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हाउ टू बिल्ड अ वेबसाइट इन वन डे विदाउट नॉलेज ऑफ एचटीएमएल। ठीक है, ये बहुत लोगों की परेशानी है कि उन्हें एचटीएमएल नहीं आता, उन्हें कोडिंग नहीं आता, दे डोंट हैव नॉलेज ऑफ एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। एक्चुअली ये जो है ये बीसीए एमसीआई इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, बट अभी के जो सिनेरियो में डिजिटल जो एरा है उसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी वेबसाइट, खुद की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, जैसे कि वो अपनी ब्रांड बिल्डिंग करना चाहते हैं, पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग करना चाहते हैं, या अपने प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करना चाहते हैं या सर्विसेज देना चाहते हैं, तो दे वांट अ वेबसाइट ऑफ देयर ओन और वो अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं खुद से, क्योंकि द सर्विसेज चार्जेस फॉर वेबसाइट डिजाइन इज टू मच। ओके, एंड इफ यू कैन डेवलप अ वेबसाइट और डिजाइन अ वेबसाइट बाय योरसेल्फ, दैट इज द बेस्ट थिंग। ओके, सो आज मैं बताऊंगा कि कैसे एक वेबसाइट को बनाया जाता है अगर आपके पास HTML का नॉलेज ना हो या CSS आप नहीं जानते हो। ठीक है, और ये किन लोगों के लिए फायदेमंद है, जैसे कोच हो गए, ट्यूटर हो गए, या फिर स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स, या फिर आपके जो बिजनेसमैन हो गए या कॉरपोरेट हाउसेज हो गए, ये लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। दे कैन लर्न फ्रॉम हेयर कि कैसे वेबसाइट को बनाया जाता है एंड दे कैन अप्लाई फॉर देयर ब्रांड और देयर प्रमोशन ऑफ अ वेबसाइट। अगर वेबसाइट बना के उनका प्रमोशन करना है तो वेबसाइट बना के उसको प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो उसमें दो ऑप्शन होता है, एक फ्री ऑप्शन में भी आप बना सकते हैं विदाउट कोडिंग और एक पेड ऑप्शन होता है। ठीक है, तो फ्री ऑप्शन क्या होता है, फ्री ऑप्शन आपने देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स है, जैसे wix.com है या weebly.com है या गूगल साइट्स है, देखिए भाव सर्विस, वहां पे आप अपना सबडोमेन बना सकते हैं। जैसे कि मैं नीरज विजय हूं, अगर मैं अपना पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहूंगा तो neeraj.wix.com मैं बना सकता हूं। ठीक है, वहां पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके फैसली वो टेम्पलेट तैयार रहता है उनका, आई कैन यूज दैट टेम्पलेट एंड वहां पे मुझे चेंजेस करना होगा टाइटल एंड कंटेंट और जो भी इमेजेस चेंज करना वो मैं चेंज करके अपनी वेबसाइट बना सकता हूं। ठीक है, आप भी वो कर सकते हैं, वो फ्री सर्विस है, यू कैन यूज दैट। बट वहां पे प्रॉब्लम क्या है, दैट यू डोंट हैव फुल कंट्रोल, आपके पास फुल कंट्रोल नहीं होता है अपनी वेबसाइट पे, इवन दे कैन प्लेस देयर एड्स ऑन दैट वेबसाइट। ठीक है, अगर आप बहुत कुछ चीजें चेंज करना चाहें उसमें आप पॉसिबल नहीं है, एक लिमिटेड थीम है, एक लिमिटेड टेम्पलेट है बस आप, और दूसरी चीज ये उनकी वेबसाइट है। ठीक है, दे कैन मैनिपुलेट यू, दे कैन मैनेज थिंग्स दे वॉन्ट टू। ठीक है, तो उसपे आपका फुल कंट्रोल नहीं रहता है। यही चीज वीबली के साथ है, यही चीज गूगल साइट्स के साथ है। ठीक है, तो ये आप अगर आपको इफ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट मनी, अगर आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं तो वहां पे आप ये बना सकते हैं। ठीक है, पर आपका कंट्रोल पूरी तरह उनके पास होगा, इस बात को समझिए। ठीक है, अब दूसरा जो पेड सर्विस है वो आपका खुद का वेबसाइट होगा, जैसे www.neeralvijay.com, ये आपका पर्सनल वेबसाइट है, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग है, एंड आई विल ऑलवेज सजेस्ट टू गो फॉर पर्सनल वेबसाइट। आप फ्री वेबसाइट का यूज ना करें, आप अपनी पर्सनल वेबसाइट बनाएं। ठीक है, तो इसके लिए दो चीजों की जरूरत है, सबसे पहला डोमेन नेम, आप अपना डोमेन नेम परचेज करें, जैसे कि www.neerajvijay.com, तो neerajvijay.com इज अ डोमेन नेम, तो आप डोमेन नेम name.com से परचेज कर सकते हैं। वहां पे आप जाके सर्च करें कि ये डोमेन अवेलेबल है या नहीं, अगर अवेलेबल है देन यू कैन क्रिएट योर अकाउंट एंड लॉग इन एंड परचेज दैट। ठीक है, और दूसरी चीज होती है होस्टिंग। होस्टिंग क्या होता है, होस्टिंग एक वेब सर्वर होता है, वेब स्पेस जहां पे हम अपने साइट्स के फाइल को होस्ट करते हैं, तो ये आप होस्टिंग खरीद सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, गोडैडी है, ग्रीन जीक्स है, आप किसी से भी होस्टिंग खरीद सकते हैं जो कि आपको फिजिबल लगे, जो कि आपके बजट में आए, यू कैन परचेज दैट। आपने होस्टिंग खरीद लिया, आपने डोमेन खरीद लिया, अब दोनों को कनेक्ट करना है, सो यू कैन गेट सपोर्ट फ्रॉम होस्टिंग कंपनीज, वो आपको गाइड करेंगे कैसे डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड इफ यू वॉन्ट आई कैन गाइड यू टू, तो मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे कनेक्ट करते हैं। तो अभी हमारा टॉपिक जो है कि कैसे एक वेबसाइट को बनाते हैं विदाउट HTML। ठीक है, जब आपका होस्टिंग कनेक्ट हो गया, डोमेन कनेक्ट हो गया, देन यू हैव टू इंस्टॉल वर्डप्रेस। जी हाँ, ये वर्डप्रेस ही ऐसा टूल है, एक ऐसा CMS है जो कि बहुत पॉपुलर है, एंड यू कैन बिल्ड अ वेबसाइट इन दैट विदाउट HTML। विदाउट HTML का आप वेबसाइट बना सकते हैं, व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन योर होस्टिंग, ऑन योर सर्वर, जो कि वेबसाइट आपने परचेज किया वहां पे, उस सर्वर पे आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, एंड यू हैव टू कॉन्फ़िगर दैट। ठीक है, ये अगर आप दिन में 3 से 4 घंटे देते हैं वर्डप्रेस को समझने के लिए तो ये काफी है। देखिए, अगर आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको
कुछ ना कुछ टाइम तो इन्वेस्ट करना होगा ऑन योर सेल्फ एंड टू अपग्रेड योर स्किल्स। ठीक है, आप चाहेंगे कि नहीं मैं बैठे बैठे कर लूं तो ये पॉसिबल नहीं है, ये किसी भी सिनेरियो में पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू गिव योर टाइम एंड योर मनी, मनी ऑल्सो मनी, इसलिए क्योंकि आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करेंगे। विदाउट स्किल अपग्रेडेशन आप पॉसिबल नहीं है कि आगे बढ़ सकते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, वो किसी भी सिनेरियो में एप्लीकेबल होता है। तो आप 4 से 5 घंटे या फ्री रिसोर्सेज भी आप पढ़ सकते हैं। यू कैन गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च हाउ टू इंस्टॉल अ वर्डप्रेस, हाउ टू डिजाइन अ साइट ऑन वर्डप्रेस। ठीक है, वहां भी आप आराम से पढ़ सकते हैं, वहां पे आप वहां से भी समझ सकते हैं, आप आराम से समझ सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जब आपने जब वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया तो वहां पे हमें क्या सीखना है कि वर्डप्रेस में कैसे साइट को डिजाइन करते हैं। वहां पे प्रीलोडेड थीम्स होते हैं, वो थीम्स को आप अपना इंस्टॉल करें और थीम्स में जो चेंजेस करने हैं अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं और वो वर्डप्रेस आपका इंस्टॉल हो जाएगा, साइट लाइव हो जाएगी। उसमें पोस्टिंग कैसे करना है वो सीखना होगा, उसमें पेजेस कैसे क्रिएट होते हैं वो सीखना होगा और उसमें प्लगइन्स, जैसे आप कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट फॉर्म का प्लगइन्स आता है, वो प्लगइन आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, वो प्लगइन आपका रेडी हो जाएगा, आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म तैयार हो जाएगा। तो इस तरह हम वर्डप्रेस में एक वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं और आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत ही आसान तरीका है उनके लिए जिनको HTML की कोडिंग नहीं आती है। और इस बात को भी समझने की आपको जरूरत है कि अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, इवॉल्व करना चाहते हैं, देन यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम इन योरसेल्फ। ओके, आपको अपने पर्सनल स्किल्स अपग्रेड करने होंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं और पर्सनल स्किल अपग्रेड करने के लिए आपको मनी इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, मनी या टाइम, मनी टाइम दोनों इन्वेस्ट करना होगा। तो आप YouTube पे भी पढ़ सकते हैं या कोई मेंटरशिप से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए जनरली जो लोग होते हैं 95% ऑफ द पर्सन दे स्टडी एंड दे डू जॉब। ठीक है, उनका पर्सनल इवॉल्वमेंट क्या, इवॉल्व कैसे कर रहे हैं वो, उन्होंने पढ़ा है कि उन्होंने जॉब किया बस दैट्स इट, उसके बाद वो आते हैं घर, वो इंटरटेनमेंट टीवी ये देखते हैं। ठीक है, बट उनकी लाइफ वहीं रुक जाती है, उसके आगे कुछ नहीं होता है। बट अगर आप पर्सनली इवॉल्व करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम टू अपग्रेड योर स्किल्स। ठीक है, आपको अपने स्किल्स अपग्रेड करने होंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। इफ यू स्टार्ट ब्लॉगिंग, आप ब्लॉग लिखना स्टार्ट करें, आप उसके बाद अगर ब्लॉगिंग में आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, यू कैन अर्न इन लैक्स। आप सोच नहीं सकते कि ब्लॉगिंग से लोग कितना कमाते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाते हैं तो आप जॉब के बाद भी अपनी अर्निंग को कई गुना बढ़ा सकते हैं थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, मेंटरशिप कर सकते हैं, कंसल्टिंग कर सकते हैं, देन यू कैन बिल्ड योर ओन ब्रांड और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज या जो भी आप अपना बनाना चाहते हैं, जो आपका पैशन है आप उसकी तरफ जा सकते हैं। अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाने को भी एक ब्रांड बना सकते हैं। ओके, तो इफ यू वांट टू इन्वेस्ट योर टाइम टू अपग्रेड योर स्किल्स देन यू कैन मूव अहेड इन योर लाइफ। ओके, और जैसा कि वर्डप्रेस का टॉपिक था आज कि विदाउट कोडिंग और HTML नॉलेज आप कैसे वर्डप्रेस बना सकते हैं, वो भी एक आपका इन्वेस्टमेंट है टू अपग्रेड योर स्किल्स। अगर आपके अंदर जज्बा है, आप जुनूनी हैं, तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। बस आपको 5 से 6 घंटे देने होंगे वर्डप्रेस को समझने के लिए एंड यू डोंट हैव टू डू एनी कोडिंग। ओके, तो आशा करता हूं कि मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा और आप अपनी साइट को बना सकें। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम में फंसते हैं यू कैन कॉमेंट मी, ठीक है, मैं उसका जवाब दूंगा। एंड इफ यू वॉन्ट टू लर्न वी हैव कम अप विद अ वीडियो कोर्स जो कि हमारा 23 मॉडल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है, वो पूरा वीडियो कोर्स के फॉर्म में है एंड यू कैन बाई इट एंड लर्न फ्रॉम देयर। उसमें भी वर्डप्रेस का पूरा वेबसाइट डिजाइन का एक चैप्टर है, डेडिकेटेड चैप्टर जहां से आप पढ़ सकते हैं एंड एंटायर डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम जीरो टू हीरो वहां पे आप पढ़ सकते हैं। ओके, सो क्लोजिंग दिस वीडियो नाउ, आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा एंड फॉर एनी हेल्प यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।